नमस्कार शो मेकर एकता कपूर इस समय मुश्किलों में गिरती दिखाई दे रही है। एकता कपूर के ऊपर हाल ही में एकता कपूर और उनकी कंपनी अल्ट बालाजी के ऊपर हाल ही में पॉक्सो के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। आपको बता ही दें कि एकता कपूर की एक वेब सीरीज जो उनके अल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म पर चली थी उसको लेकर वीर सेना नाम की एक सामाजिक संस्था के सदस्यों ने शिकायत की थी और उसमें ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट था, उसका ऐसा आरोप है। उसके बाद उन्होंने शिकायत की पुलिस में, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। बाद में उन्होंने चिल्ड्रन राइट कमीशन के पास से वहां गए, उनकी एडवाइजरी को भी पुलिस ने नहीं माना। तब इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ। इस मामले में एकता कपूर के साथ अल्ट बालाजी और शोभा कपूर को आरोपी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एकता कपूर अब मुश्किलों में गिरती दिखाई दे रही है और ये जो मामला है पॉक्सो का, ये एक अश्लीलता दिखाई देने, वेब सीरीज में अश्लीलता दिखाई देने में नाबालिग बच्चों को इस्तेमाल किए जाने का मामला है। हम सभी जानते हैं इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काफी ऐसी वेब सीरीज है जो आपत्तिजनक है और कुछ इसी तरह का कंटेंट आजकल परोसा जाता है। उसको लेकर कई लोग, कई सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन प्लेटफॉर्म पर यह सामग्री रुक नहीं रही। अब एकता कपूर के ऊपर इस तरह से मामला दर्ज होने के बाद क्या इसमें सुधार हो पाएगा, एक सवाल बड़ा है। क्या एकता कपूर के खिलाफ जिस तरह से आम लोगों के साथ पुलिस व्यवहार करती है कर पाएगी, ये भी एक बड़ा मामला है। इस मामले में जो सामाजिक संस्था है वीर सेना, उसके पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। नमस्कार, मैं शेरा सत्यनारायण पुरोहित, वीर सेना संस्थापक अध्यक्ष। अब जाकर हमारी वीर सेना को न्याय मिला है। न्याय क्यों मिला है? कुछ वर्ष पहले अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में नाबालिग लड़की को इंडिसेंट तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उस वीडियो की सूचना हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को दी थी, जिसमें हमने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। मुंबई पुलिस की ओर से हमें आश्वासन मिला था कि इस विषय पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, पर मुंबई पुलिस ने इस विषय को अनदेखा किया। फिर जाकर हमने चिल्ड्रन राइट कमीशन को भी एक पत्र भेजा, जिसमें चिल्ड्रन राइट कमीशन ने मुंबई पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट का आदेश दिया था। चिल्ड्रन राइट कमीशन को भी मुंबई पुलिस ने अनदेखा किया। इन दिनों में मुंबई पुलिस ने सारी की सारी सेवाएं सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर जी को बचाने में दी थी। आखिरकार हमने कोर्ट में एक याचिका दी थी। उस याचिका में कोर्ट का निर्णय आया कि इस विषय पर जल्द से जल्द FIR की जाए। अब जाकर मुंबई पुलिस ने FIR की है। अब देखना यह है कि एकता कपूर के खिलाफ मुंबई पुलिस वही कानूनी प्रक्रिया करेगी जो एक आम नागरिक के साथ करती है, क्योंकि इस विषय पर अगर कोई एक आम नागरिक होता तो अब तक उसको उसके परिवार सहित उठा लिया होता। और हमारी एकता कपूर जी से कोई भी निजी दुश्मनी नहीं है। हम ये लड़ाई इसके लिए लड़ रहे थे क्योंकि भारत देश में, आज अखंड भारत देश में आप देख रहे हो, शहर, जिले, गांव में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे। क्यों? क्योंकि इस अश्लील वीडियो के कारण हो रहा है। क्योंकि ऐसे अश्लील वीडियो भारत देश में परोसे जा रहे हैं जिसमें बच्चों की मानसिकता बिगड़ रही है। क्योंकि इनके सारे कंटेंट कुछ इस प्रकार से है कि ससुर ने किया बहू के साथ बलात्कार, देवर ने भाभी के साथ प्यास बुझाई और स्टूडेंट ने किया टीचर के साथ। तो आप आज देख रहे हैं कि भारत देश में छोटी बच्चियों की क्या दशा हो रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ऐसे वीडियो पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। जय श्री हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।